अगर आप YouTube चला रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं YouTube से, लेकिन आपको कहीं ना कहीं YouTube पे कमी रह जाती है, जिसके वजह से आप YouTube से सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कभी कभी आप वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, अगर थोड़ा सा भी कॉपीराइट आ जाता है तो मोनेटाइजेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम करती है। लेकिन दोस्तों, मैं एक आज ऐसा ट्रिक बताऊंगा, और सबसे आसान और सबसे बेहतरीन, तो आपको वीडियो डिलीट नहीं करना होगा, आप सिर्फ एक इजी तरीके से ही कॉपीराइट जो आया है उस वीडियो में उसको हटा देगा। तो आपको जानने के लिए और देखने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत लोग सारे वीडियो बनाते हैं कि गूगल क्रोम में जाइए, डैशबोर्ड खोलिए और वगैरह करिए, आपको वहाँ भी नहीं जाना है। सबसे आसान तरीके से मैं बताऊंगा, और कौन सा ऐप के माध्यम से होगा, हमें लगता है कि आप लोग उस ऐप को ही इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, वहीं से है आपको जो वीडियो में कॉपीराइट आया है हटाने का बहुत आसान तरीका है। लेकिन कभी भी यूट्यूब पे आप खोजेंगे तो ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको ऐसे लंबा चौड़ा बता के खुद का अपना टाइम बढ़ाने के लिए और खुद अपना काम करवाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए लंबा चौड़ा वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं शॉर्टकट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिंपल तरीके से कॉपीराइट को हटाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले हमें YouTube आईडी पे जाना है। YouTube आईडी पे जाना है, इसके बाद देखना कौन से वीडियो पे कॉपीराइट आया है। तो ये देखिए, कॉपीराइट एक जगह दिख रहा है। तो कॉपीराइट ये यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें इसको हटाना है। तो आपको मैं बता दूँ कैसे हटेगा ये। तो फिर मैं पूरी तरह से बैक कर लेता हूँ। अब हमें जाना है YT स्टूडियो में। ये YT स्टूडियो आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कॉपीराइट है। अब इसको हमें हटाना है, और आपको हटा के मैं दिखाऊंगा कैसे हटेगा ये। तो अब दिखाते हैं कैसे हटेगा ये। तो यहाँ पे जो कॉपीराइट दिख रहा है इसको हटाना है। तो हमें फिर इसको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर ये देखिए कॉपीराइट दिखा रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना है और समस्याओं की समीक्षा करें। कॉपीराइट वाला हटाए, इसको हम देखेंगे। ये बोल रहा है कि इस वीडियो पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको हटाना है। तो देखिए, यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है कि जो ऑडियो वीडियो में आ गया है उसके वजह से कॉपीराइट हटा दिख रहा है। तो उसमें डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है गाना काटे, मतलब ये गाना जो है यहाँ पे हटाने के लिए जो बोल रही है, इसको चाहे तो हटा सकते हैं, या तो ये जो दूसरा है, ये जो दूसरा है यहाँ पे जहाँ तक कॉपीराइट है उस वीडियो को ही डिलीट कर देगा। तो हमें डिलीट उसको नहीं करना है, हमें डिलीट सिर्फ जो उस ऑडियो ग्रेड से आया है कॉपीराइट, इसको डिलीट करना है। तो हम इसको करके दिखाते हैं। तो इसको हम टच कर देते हैं, गाना मिटाने पर ये आ जाएगा। और इसको हम सेव कर देते हैं। तो कुछ देर के बाद ईमेल पे आ जाएगा। देखिए, साफ साफ लिखा है, वीडियो पे कॉन्टैक्ट आईडी देने वाले जगह से आपके चैनल पर कोई असर नहीं पड़ सकता है, कॉपीराइट उल्लंघन का स्ट्राइक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो
जो दिख रहा है ये वीडियो को एडिट किया जा रहा है, यानी कुछ देर में तो जिस तरह से ऑटोमेटिक मैंने वहाँ करके पे दिखाया भर जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर तो लीजिएगा देखिए दोस्तों, और 5 लोगों मिनट तक भी लगे शेयर कर दीजिएगा। कॉपीराइट हट गए।